हाय फ्रेंड, आई डी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संधि विच्छेद के बारे में देखेंगे। देखिए, संधि विच्छेद से प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, चार क्वेश्चन तो चारों शिफ्ट में पूछा गया था, तो पहले वो चारों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके साथ इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ट्रिक के साथ, ठीक है, पूरा डिटेल और ट्रिक दोनों बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, इसमें है मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो इस संधि विच्छेद होता है हमेशा सार्थक शब्दों का होता है। कैसे शब्दों का? सार्थक शब्दों का। सार्थक यानी सार्थक शब्द ऐसे होते हैं उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकले, ठीक है। क्या निकले? उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकले। अब जैसे देखिए, ये मदिर लिखा, मदिर कोई शब्द नहीं होता, मदिरा होता है, तो मदिरा यहाँ लेना है, और यहाँ पर भी देखिए मदिरा है, यहाँ पर भी लेना है, ठीक है। तो देखिए, पहले एक ऑप्शन तो ऐसे हट जाएगा। उसके बाद आलय नहीं होता, आलय होता है। क्या होता है? आलय नहीं, आलय होता। तो यहाँ देखिए आलय है, यहाँ पर लय है, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है, मदिरा प्लस आलय। तो कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। इस तरह सार्थक शब्दों को ढूंढेंगे तो आपको तुरंत आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा, मदिरा प्लस आलय हो जाएगा। तो संधि विच्छेद कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगर इसमें पूछ लिया होता, ठीक है, अगर इसमें पूछ लिया होता कि मदिरा प्लस आलय में कौन सा संधि है, तब क्या बताते? देखिए, मदिरा में आ रहा, क्या रहा है? आ रहा। आलय में भी क्या आ रहा? पहले आ रहा, ये हो जा रहा मदिरा आलय बन रहा। यहाँ पर जुड़ रहा क्या बन रहा? मदिरा आलय बन रहा। यहाँ पे भी क्या बन रहा? आ बन रहा। यानी आ मिल के, आ आ मिल के क्या बन रहा? आ बन रहा है। तो वहाँ पे अब देखिए बड़ा मात्रा बन रहा, तो कौन सा संधि होता है? यहाँ पर दीर्घ संधि होता है। कौन सा संधि होता है? दीर्घ संधि होता है। कौन सा होता है? दीर्घ संधि होता है। तो जहाँ पर छोटा अ बड़ा छोटा आ, ठीक है, बड़ा आ के साथ मिले, बड़ा आ बड़ा आ के साथ मिलके आ बने, बड़ा आ बने, तो वहाँ पर कौन सा होता है? दीर्घ संधि होता है। इसके जैसे और उदाहरण पूछता है, जैसे विद्यालय में, ठीक है, तो विद्यालय में क्या होता है? विद्या प्लस आलय, ठीक है, क्या होता है? विद्या प्लस आलय। तो यहाँ पर भी आ होता है, यहाँ पर भी आलय होता है, तो क्या बन जाता है? विद्यालय। और कौन सा संधि होता है उसमें? दीर्घ संधि होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि कबीश्वर, कबीश्वर का संधि विच्छेद क्या है? अभी बताएं आपको सार्थक शब्द ढूंढना, क्या ढूंढना है? सार्थक शब्द। तो देखिए, कबीश्वर तो क्या है? कवि प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पर जो कवि कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, कवि ऐसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ कवि लिखा है, कवि कवि, ये दोनों तो ऐसे गलत हो जाएंगे, दो ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ कवि सही लिखा, यहाँ पर लिखे, देखिए स्वर कोई नहीं होता शब्द, ठीक है, कवि प्लस ईश्वर, तो ये ही बच रहा है। सार्थक शब्द ढूंढेंगे तो आपका संधि तुरंत सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? कवि प्लस ईश्वर हो जाएगा। कविश्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? कवि प्लस ईश्वर, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगर इसमें पूछा होता कि कौन सा संधि है, तो कौन सा संधि है? देखिए यहाँ पर छोटी मात्रा लगा हुआ है, छोटी ई है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? बड़ी ई है। क्या है? बड़ी है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? कविश्वर हो रहा है। अब देखिए बी में जो मात्रा लगा है, क्या हो रहा है? बड़ी ई हो रहा है। क्या हो रहा है? बड़ी ई हो रहा है। तो देखिए छोटे ई और बड़ी ई मिलके क्या हो रहा है? बड़ी ई हो रहा है। क्या हो रहा है? बड़ी ई हो रहा है। तो जहाँ पर बड़ी की मात्रा लगता है वहाँ पर कौन सा संधि होता है? अभी बताएं, जहाँ बड़ी मात्रा बनता है वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होता है। क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। कौन सा होगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, अभी बताए हैं किसका जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सबसे पहले आप सार्थक शब्द ढूंढिएगा। क्या ढूंढना है आपको? सार्थक शब्द। तो देखिए सबको पता है कि जैन कोई शब्द नहीं होता, जैन नहीं होता, जैन होता है, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो जैन होता है, ठीक है। तो देखिए जैन लिखा, जैन लिखा है, दो ऑप्शन तो ऐसे कट जाएगा। अब इसमें देखिए जैन है, इसमें भी जैन, इंद्र नहीं होता, इंद्र होता है, इंद्र कोई शब्द नहीं होता सार्थक। इंद्र का देखिए शाब्दिक अर्थ यानी उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, इंद्र मतलब क्या होता? कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इंद्र का तो निकल जाएगा ना। तो जैन प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? जैन इंद्र हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगर इसमें पूछ लिया होता कि कौन सा संधि है, ठीक है, कौन सा संधि है, तो कौन सा संधि हो जाता है? जहाँ पर इसका संधि मिलेगा यानी जहाँ पर जुड़ा हो तो वहाँ पे देखेंगे, तो जैन प्लस इंद्र, तो ये नेप मंत्रा हो रहा, ए वाला ई इस पर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब एक मात्रा ऊपर बनता है, ऐसे वाला या ऐसे वाला,
ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है, गुड़ संधि होता है। क्या होता है? गुड़ संधि होता है। तो इसमें ए वाला मात्रा लगा है तो कौन सा हो जाएगा इसमें, अगर संधि पूछा होता तो कौन होता? गुड़ होता। लेकिन अगर यहाँ पर डबल ऐसे कर दिया जाए तो देखिए वृद्धि हो गया कि नहीं, तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगा। अगर बढ़े एक पे रहेगा गुड़ हो जाएगा, दो हो जाएगा तो वृद्धि हो जाएगा। इसको वीडियो में हम भी ट्रिक से बताएं, तो इसीलिए कहें वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है। अगला और लास्ट क्वेश्चन से पहले आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसमें है लघुत्सव, ठीक है, लघुत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अभी बताएं आपको, सही पहली बात ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए तस्व नहीं होता, तस्व कोई नहीं, उत्सव सही शब्द होता। तो पहली बात ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे, ठीक है। अब बचा ए और ए, तो देखिए जब भी लघु लिखा जाता है, ठीक है, तो लघु ऐसे लिखा जाता है, ना कि लघु ऐसे कभी नहीं लिखा जाता है, तो ये वर्तनी की दृष्टि से गलत होता है, ठीक है। तो बचा कौन? ए वाला। तो ये वाला लघु ऐसे कट जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? लघु प्लस उत्सव क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसमें पूछा होता कि कौन सा संधि है, तब आप क्या बताते? देखिए यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ है, क्या है? छोटा ऊ है, और उत्सव में भी क्या है? छोटा ऊ है। तो छोटा ऊ मिलके यहाँ पर देखिए बड़ा मात्रा है, बड़ा ऊ हो जा रहा है, क्या हो रहा है? बड़ा ऊ। तो जहाँ पर भी बड़ा मात्रा बनता है वहाँ पर बताएं कौन सा संधि होता है? दीर्घ स्वर संधि होता है। कौन सा होता है? दीर्घ स्वर संधि होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला तो सही होगा, साथ में संधि कौन सा होगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह का और क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आपका इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ पर पूरे स्वर के संधि के बारे में डिटेल देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको ध्यान ही रखना है संधि किसे कहते हैं। तो देखिए परिभाषा कभी कभी पूछ लेता है, तो देखिए दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार का होता है, एक स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि होता है, तीसरा विसर्ग संधि होता है। आपको ये तीनों संधि इसी वीडियो में पढ़ना है, ठीक है। स्वर संधि के पांच भेद है, तो ये भी ध्यान रखना है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? पांच। कौन कौन? दीर्घ होता है, गुड़ होता है, वृद्धि होता है, एड़ होता है, और अयादि संधि होता है, ठीक है। ये पांचों से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अब देखिए जब भी संधि विच्छेद होता है, ध्यान रखिएगा, जब भी संधि विच्छेद होता है तो जब भी विच्छेद होता है उसका कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ होता है। विच्छेद करने का मतलब ये नहीं है कि अगर वो दो टूट रहा है, ठीक है, दो वर्णों, दो शब्दों में या दो वर्णों में टूट रहा है तो उसका कोई ना कोई अर्थ होगा, बिना अर्थ के वो नहीं टूटता है। तो देखिए अब जो है इसमें देखिए, जैसे सु होता है जो है ये अच्छे के लिए होता है, और कु जो होता है क्या होता है? खराब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कहते हैं कुसंगत, यानी उसका संगत क्या है? खराब है। तो क्या है कुसंगत? सुसंगत मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुसंगत मतलब अच्छा हो जाएगा। तो जो भी उक्ति है, ठीक है, देखिए यहाँ सुक्ति लिखा, तो जो भी उक्ति है वो क्या होगी? अच्छी होगी। अच्छे के लिए हमेशा क्या होता है? सु होता है। अब ये स तो नहीं होगा, ठीक है, स का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, तो सु का क्या होगा? अब देखिए सु होगा, अब यहाँ कीति लिखा है, कीति नहीं होता, ठीक है, उक्ति होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी सु प्लस उक्ति, जो उक्ति है वो क्या है? अच्छा है। तो क्या हो जाएगा? सुक्ति हो जाएगा। अगर इसमें पूछ ले कौन सा संधि है, तो संधि कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे सु है, यहाँ पे उक्ति है, तो सु में देखिए ऊ का मात्रा है, छोटी ऊ मात्रा है, ठीक है, और उक्ति में भी क्या है? छोटी मात्रा है। तो देखिए यहाँ पे अगर मात्रा है छोटी ऊ वाला, तो इसके मतलब ये ऊ है, और यहाँ पे क्या है? ऊ है। तो ऊ मिलके क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ का मात्रा क्या होता है? ऐसे होता है, देखिए सुक्ति में ऐसे वाला मात्रा बना है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगा। कौन सा होगा? दीर्घ होगा। तो जहां पर भी बड़ी की मात्रा बनता है वहां पे कौन सा होता है? दीर्घ संधि होता है। कौन सा होता है? दीर्घ संधि होता है। इसकी और पहचान बता देते हैं, देखिए इसमें अ, ठीक है, अ आ ई बड़ी ई ऊ और बड़ी ऊ, ठीक है, ये आपस में मिलते हैं, समान स्वर मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। अ आ के साथ मिलेगा, ठीक है,
और ऐ देखिए ऐ ऐ के साथ मिलेगा, ऐ ऐ के साथ मिलेगा, ऐ आ के साथ मिलेगा, आ ऐ के साथ मिलेगा, आ आ के साथ मिलेगा, ठीक है। इसी तरह ई ई ई मिलेगा, ई बड़ी ई मिलेगा, ठीक है। यानी ये आपस में ही मिलते हैं, आ आ आपस में मिलेंगे, ई ई आपस में मिलेंगे और ऊ आपस में मिलेंगे। तो जब देखिए आ आ जब मिलेंगे तो अपन क्या बनाएंगे, बड़ी आ बनाएंगे। इसी तरह जब ई ई मिलेंगे तो बड़ी ई बनाएंगे और ऊ मिलेंगे तो बड़ा ऊ बनाएंगे। तो जब भी जहाँ पर समान स्वर मिलते हैं, ठीक है, और बड़ा दीर्घ स्वर बनाते हैं तो वहां पर कौन होता है, दीर्घ स्वर होता है। वहां पे क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। अगला क्वेश्चन है ये, अगला है कि बधुसों का संधि विच्छेद क्या है। तभी बताए हैं कि उसका कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ होगा। तो देखिए बध नहीं होता है, बधुसों का मतलब क्या होता है, बधु होता है, बधु प्लस उत्सव। देखिए बधु मतलब क्या होता है, देखिए वर किसके लिए यूज होता है, एक वर होता है, एक क्या होता है, बधु होता है। तो अब जान ही रहे हैं वर क्या होता है, यानी पुरुष को कहा जाता है, बधु स्त्री वाले को कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें बधु का क्या हो जाएगा, इधर देखिए बधु है उत्सव, बध कोई नहीं होता, बध नहीं होता, बधु नहीं होता, तो इसमें क्या होगा, बध प्लस उत्सव हो जाएगा। तो इसका बधुत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगर पूछ रहे इसमें किस प्रकार का संधि है, तो देखिए संधि कौन सा होगा, अब देखिए बधु में बड़ा ऊ है, कौन सा है, ये बड़ा ऊ है, और इसमें देखिए बड़ा ऊ है और ऊ उत्सव में क्या है, छोटा ऊ है। तो जब ऊ और ऊ मिलके क्या बन रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है। देखिए बधुत्सव में बड़ा ऊ है, तो जब छोटा बड़ा ऊ और छोटा ऊ, अब समान प्रकार के जब स्वर मिलते हैं, ठीक है, समान प्रकार के जब स्वर मिलते हैं तो वहाँ कौन होता है, दीर्घ होता है। क्या होता है वहाँ पर, दीर्घ होता है, कौन सा होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है। तो इसका कौन सा स्वर था, इसका सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर अगर पूछे कि कौन सा संधि होगा तो दीर्घ होगा, कौन सा ऑप्शन सी होगा, इसका सी वाला। क्वेश्चन है कि स्वर संधि में किसका मेल होता है। देखिए स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, ध्यान रखिएगा स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। अब व्यंजन में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन दोनों आते हैं, ठीक है, स्वर में सिर्फ स्वर आता है, स्वरों का मेल होता है, व्यंजन में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है। अगला क्वेश्चन है दो या दो से अधिक अत्यंत समीप वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है। अभी बताएं कि दो या दो से अत्यंत समीपस्थ वर्णों का मेल जो होगा उसे क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। जैसे इसमें दिया धर्मात्मा, आपको बताना है कि धर्मात्मा में कौन सा संधि होगा। तो धर्मात्मा में देखिए बताएं कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ होगा, तो देखिए धर्म प्लस आत्मा होगा। देखिए यहाँ धर्मा है, धर्मा नहीं होता, धर्म होता है, यहाँ पे धर्मा है, ये भी नहीं होगा, धर्म होगा। तो धर्म देखिए गलत धर्म लिखा है, ये धर्म क्या, इसका जो वर्तनी है यही गलत है। तो एक ही बचा धर्म प्लस आत्मा, तो इसका कौन सा हो जाएगा, धर्मात्मा हो जाएगा। अगर पूछ ले कि धर्मात्मा में कौन सा संधि होगा, तो देखिए धर्म में मैं, देखिए धर्म में क्या आ रहा है, आ आ रहा है, और आत्मा में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो अब देखिए आ रहा है बड़ा वाला, ठीक है, तो अ और आ मिलके क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दीर्घ हो रहा है, यानी बड़ी मात्रा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, दीर्घ संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा, क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि जहाँ पर भी बड़ी की मात्रा बनेगा वहाँ पर कौन सा होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। अगला क्वेश्चन है स्थानापन का सही संधि विच्छेद कौन सा है। अच्छा देखिए जहाँ पर भी ये संधि मिलते हैं वहाँ से आप देख लीजिए, जैसे देखिए स्थानापन यहाँ पर देखिए यहीं पे मिल रहा स्थानापन, तो जो भी टूटेगा क्या होगा, स्थान होगा, ठीक है, और क्या होगा यहाँ पर देखिए, या तो पन होगा या आपन होगा। तो देखिए स्थान किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है, स्थान इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, स्थापन तो नहीं होगा, स्थाना भी नहीं होगा। तो ये कौन सा इसका सही हो जाएगा, स्थान प्लस आपन होगा, ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए अब इसमें पूछे कि स्थापन में कौन सा संधि है, तो देखिए स्थान में आ रहा है, आपन में क्या आ रहा, आ रहा है, तो आ और आ मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे, ठीक है, अ और आ मिलके क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। यहाँ पे कौन सा होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, दीर्घ वाला हो जाएगा। इसका कौन सा सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। देखिए कम से कम अब पर इसमें 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन को पूरा देखिए, जब एक बार पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। अगला क्वेश्चन है नयन विराम का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए
अभिराम ये होता है, अभिराम अभिराम मतलब क्या होता है, सुंदर होता है, ठीक है। अभिराम मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। अनयन मतलब क्या होता है, आंख, यानी जिसकी आंख सुंदर हो, ठीक है। तो इसका जब संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, नयन, क्या होगा, नयन प्लस अभिराम, क्या होगा, देखिए इसमें है नयन प्लस अभिराम। अभिराम मतलब क्या होता है, सुंदर होता है, नयन मतलब आंख, यानी जिसकी आंखें सुंदर हो, ठीक है। तो नयन प्लस अभिराम इसका क्या, अब देखिए नयना नहीं होता है, नय भी नहीं होता, नयना भी नहीं होता, क्या होता है, नयन होता है। अभिराम होता, अभिराम मतलब क्या होता है, सुंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, बी वाला सही हो जाएगा। अगर पूछे इसमें कौन सा संधि है, तो देखिए नयन में आ रहा है, अभिराम में आ रहा है, तो ये मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, अ मिलके क्या बना देंगे, आ बन जाएंगे। तो देखिए न और अ मिलके क्या बन जाएंगे, ना हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ना हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा, कौन सा होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका स्वर्गारोहण का क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर स्वर्ग है, देखिए तो स्वर तो होगा नहीं, स्व भी नहीं होगा, स्वर्ग, अब देखिए स्वर्गा नहीं होगा, स्वर्ग होता, क्या होता है, स्वर्ग होता प्लस आरोहण होगा, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। बताएं जब भी ये संधि विच्छेद होता है तो उसका कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए स्वर्गा नहीं होता, स्वर्ग होता है, ठीक है, और स्वर नहीं होता है। अब देखिए यहाँ स्वर्गा लिखा है तो यहाँ स्वर तो होगा नहीं, तो क्या होगा, स्वर्ग होगा, ठीक है, यहाँ स्वर नहीं हो सकता है, तो कौन सा होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 में पूछा है क्वेश्चन, यूपीएससी 2021 में पूछा है, कह रहे गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, गीत प्लस अंजलि होता है, गीतान नहीं होगा, गीतान नहीं होगा, ठीक है, ये गीतान नहीं होगा, गीत प्लस अंजलि होता है, क्या होता है, गीत प्लस अंजलि होता है। अब देखिए इसमें भी दीर्घ स्वर संधि होगा, ठीक है, तो क्योंकि देखिए गीत में आया रहा, तय में क्या आ रहा, आया रहा है, अंजलि में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके आ होता है, तो देखिए यहाँ पर गीता हो रहा है, ठीक है, गीतांजलि हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला है कि आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है, आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा उसमें, अगर भूगोल में पढ़ा होगा तो कि आग्नेयशैल होता है, ठीक है, क्या होता है, आग्नेय होता है, ठीक है, तो आग्नेयास नहीं होता, आग्नेय होता। अब देखिए आग्नेय होता है, यहाँ पे भी आग्नेय होता है, यास्त्र नहीं होता, अस्त्र होता है, ठीक है। अब देखिए आग्नेय तो इसमें दोनों में सही लिखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए यास्त्र लिखा है, यहाँ अस्त्र लिखा है, तो आपको पता है क्या होता है शाब्दिक अर्थ, उसका अस्त्र होता है, ठीक है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अब देखिए आग्नेय में क्या है, अ है, अस्त्र में क्या है, आय है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए आ रहा है आग्नेया, क्या आ रहा है, आग्नेया, या आ रहा है, यानी दीर्घ हो रहा है, तो यानी कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो सत्याग्रह का कौन सा होगा, देखिए सत्य प्लस आग्रह होता है, ठीक है, सत्य, देखिए सत्य, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह क्या होगा, देखिए यहाँ पर दीर्घ हो रहा है, ठीक है, तो जहाँ पर भी बड़ी मात्रा हो रहा है वहां पर दीर्घ स्वर संधि होता है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह, क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह, सत्य के लिए क्या कर रहा है, वो आग्रह कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका होगा सत्याग्रह हो जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अच्छा देखिए जैसे यहाँ पर अगर यहाँ देखिए ग्रह लिखा है, ठीक है, तो गढ़ तो होगा नहीं, ठीक है, अब देखिए सत प्लस आग्रह, सत नहीं होता, सत्य होता है, ये सत यहाँ गलत है, सत्य नहीं होता, सत्य नहीं होगा, ठीक है, सत्य होता है, क्या होता है, सत्य होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा कौन, डी वाला ही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। एक दो बार आप क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपका हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक कमेंट करना फ्री कॉस्ट होता है तो लाइक कमेंट तो जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है, हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो देखिए हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होता है, हिम प्लस आलय होता है, क्या होता है, हिम प्लस आलय होता है, आलय नहीं होता, देखिए
अलय कोई शब्द नहीं होता, आलय होता है ठीक है, लेकिन हिमा नहीं होता, हिम होता है ठीक है। यहाँ हिमालय लिखा, हिमा प्लस लय ये गलत है, तो इसका क्या होगा, हिम प्लस आलय होगा, हिमालय का संधि विच्छेद होगा, हिम प्लस आलय। अब हिम में देखिए मैं आ रहा है लास्ट में, तो इसका अ हो जाएगा, आलय में आ रहा है तो अ आ मिलके क्या बनाएंगे, आ ही बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अब पूछिए कौन सा संधि है, तो इसका दीर्घ स्वर संधि है, कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि होगा। अगला क्वेश्चन है महोत्सव का सही संधि विच्छेद है, तो महोत्सव में बताना है कि कौन सा संधि इसका सही संधि विच्छेद है, तो होता है महाप्लस उत्सव ठीक है। देखिए मैं कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है ठीक है, अब महो भी नहीं होता, मही भी नहीं होता, क्या होता महा, महा मतलब क्या होता, महान या बड़ा ठीक है। तो महा उत्सव उत्सव है लेकिन कहा है, बहुत बड़ा है यानी महा है ठीक है, महा हो जाएगा तो महा प्लस उत्सव महोत्सव हो जाएगा। अब इसमें पूछे कि कौन सा होगा, अब देखिए यहाँ आपको ध्यान रखना है, इसमें अगर पूछ ले कि कौन सा संधि होगा तो इसमें कौन सा संधि होगा आपको बताना। देखिए अब यहाँ से देखिए महा प्लस उत्सव हो रहा, तो यहाँ पे क्या आ रहा, आ रहा, क्या आ रहा है, आ आ रहा है, महा में क्या आ रहा, आ रहा, हा में देखिए क्या आ रहा, आ रहा, उत्सव में क्या आ रहा है, उ आ रहा है, क्या आ रहा है, उ आ रहा है। तो देखिए आ और उ ठीक है, आ उ मिलके क्या हो जा रहे हैं, ओ हो जा रहे हैं, क्या हो जा रहे हैं, ओ हो जाते हैं, तो आ प्लस ओ मिलके क्या हो जाएंगे, ओ हो जाते हैं, तो जो है क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो महोत्सव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये महोत्सव हो जाएगा ठीक है। तो इसमें कौन सा संधि होता है, गुण संधि होगा, इसमें कौन सा संधि होगा, गुण संधि होगा, कौन सा संधि होगा, गुण संधि होगा। तो गुण संधि का देखिए हम आपको पहचान बता देते हैं, इसमें गुण संधि अगर है तो इसमें अ और आ ठीक है, इसका जो मिलन होगा किसके साथ होगा, ई बड़ी ई उ और बड़ा उ और री के साथ होगा ठीक है। इसका जो मिलन होगा आ आ के साथ क्या आएगा, ई ई उ उ री आएगा ठीक है। ये मिलके क्या हो जाते हैं, देखिए अ आ जब ई ई के साथ मिलता है, ध्यान रखिएगा जब ई ई के साथ मिलता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, क्या हो जाता है, ए हो जाता है, उ उ के साथ मिलता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। देखिए ई ई के साथ जब ए वाला आ, आ जो है ई के साथ मिलेगा तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है ठीक है, और उ उ के साथ मिलता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, देखिए इसमें ए छोटा वाला ए होगा ठीक है, ए ए क्या हो जाता है, ए हो जाता है, क्या हो जाता है, ए हो जाता है। देखिए अगर री के साथ मिलता है ठीक है, किसके साथ, री के साथ मिलता है तो क्या हो जाता है, आर हो जाता है, क्या हो जाता है, आर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आ है ऊ के साथ मिला, तो बताए हैं कि जब आ आ ऊ के साथ मिलेगा तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा संधि होगा, गुण संधि होगा, कौन सा होगा, गुण संधि हो जाएगा। क्वेश्चन है कि सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो बताएं जब भी संधि विच्छेद देखिए तो शाब्दिक अर्थ जरूर देख लीजिएगा ठीक है। तो सर्वोपरि में क्या होगा, सर्व प्लस ऊपर ही होता है ठीक है, तो स देखिए यहाँ शाब्दिक अर्थ नहीं होता, सर्वो नहीं होता, सर्वे नहीं होता, क्या होता, सर्व होता, सर्व प्लस ऊपर ही होता है। तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सर्व प्लस ऊपर यानी सर्वोपरि हो जाएगा। अगर पूछे इसमें कौन सा सर्व प्लस ऊपर में कौन सा ये संधि है, तो देखिए सर्व यहाँ देखिए वह आ रहा है, तो यहाँ इसका मतलब क्या आ रहा है, अ आ रहा है। ऊपर में क्या आ रहा है, देखिए उ है, तो अगर अ उ के साथ मिलता तो बताएं हैं क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, क्या बन जाता है, ओ, तो देखिए सर्वोपरि हो जाएगा। तो देखिए गुण संधि के पहचान भी ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा एक मात्रा वाला आता है यानी ए वाला आता है ठीक है, ए वाला आता है या ऐसे आता है, ओ वाला मात्रा आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका देखिए पहचान है, अगर गुण संधि है ठीक है तो ए वाला एक मात्रा ऐसे बनेगा ठीक है, और ओ वाला एक मात्रा ऐसे बनेगा ठीक है, ये ए का मात्रा है, ए ओ का मात्रा है, कहीं पर भी ऐसे बना आएगा तो वहां पर हमेशा क्या होता है, ये गुण संधि होता है, कौन सा संधि होता है, वहां पर गुण संधि होता है, इसका एक ट्रिक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे पूछा है जितेंद्री, अब देखिए जितेंद्री में देखिए ते आ रहा है तो ए का मंत्रा हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा संधि हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, गुण संधि। अब इसका देखिए संधि विच्छेद कौन सा सही होगा, तो देखिए इसमें क्या होता है, जीते नहीं होता, जीत प्लस इंद्री होता है ठीक है। अब जो ये जीत लिखा है, ये जीत लिखा है ठीक है, जीत होता है, क्या होता है, जीत होता है, तो
तो जित प्लस इंद्रिय। अब एक कब कैसे आपको याद होगा, जब एक से दो बार 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 इसको प्रैक्टिस करेंगे तब याद होता है, जीती नहीं होता, जीत प्लस इंद्रिय होता है, तो जित इंद्रिय हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए जित में अय आ रहा, तय में देखिए क्या आ रहा है, अय आ रहा है, इंद्रिय में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो अभी बताएं जब ई अय और ई मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ए। तो ये क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा, जीत तय का क्या बन जाएगा, ते, तो यहाँ जितेंद्रिय हो जाएगा। तो यही बताए जहां पर एक ही मंत्र आता है, अभी बताए हैं जैसे ही मंत्र आएगा वहां पे कौन सा होगा, गुण संधि होता है, कौन सा होता है, गुण संधि होता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोदय का सही संधि विच्छेद है। देखिए सर्वोदय में देखिए यहाँ पे एक मंत्र आ गया है, यानी ए वाला मंत्र आ गया है, तो वहां पे कौन सा हो जाएगा, पहली बात तो ये गुण संधि हो जाएगा। अब देखिए इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य प्लस उदय होगा। ठीक है, अब देखिए सूर्यो नहीं होता, सूर्य होता, क्या होता है, सूर्य होता है, यहाँ सूर्या दे दिया, ये भी गलत है, सूर्य प्लस दय नहीं होता, उदय होता है। ठीक है, उदय मतलब सूर्य का निकलना, तो सूर्य प्लस उदय कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। अगर पूछे सूर्योदय में कौन सा संधि होगा, तो कौन सा होगा, गुण संधि हो जाएगा। अगला कि नॉनमेष का सही संधि विच्छेद है, ठीक है, तो नॉनमेष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए इसका बताइए कौन सा होगा, देखिए इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए नॉनमेष मतलब क्या होगा, नौ प्लस उन्मेष। अब देखिए नवा नहीं होता, नवो नहीं होता, नवो इसमें दिया, नौ प्लस उन्मेष होता, क्या होगा, नौ प्लस उन्मेष होगा इसका सही संधि विच्छेद। अब देखिए वो का क्या हो जा रहा है, ओ हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, यहाँ पे अ आ रहा, तो जब अ ऊ के साथ मिलता है तो क्या हो जाता है, इसका ओ हो जाता है, और यहाँ पे कौन सा संधि होगा, गुण संधि हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा। अगला है कि सूर्योदय शब्द में कौन सा संधि प्रयुक्त हुआ है, तो अभी बताए हैं, देखिए सूर्योदय में एक मंत्र वाला है कि नहीं, सॉरी ओ है, ठीक है, देखिए सूर्योदय में कौन सा है, ओ का मंत्र है, किसका है, ओ का। और जहां पर भी ए का मंत्र आए या ओ का मंत्र आए वहां पे हमेशा कौन होता है, गुण संधि होता है, वहां पे कौन सा संधि होता है, गुण संधि होता है, इसका आपको टिप पहले बता दिए हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। अगर इसकी संधि विच्छेद की बात किया जाए तो अभी पढ़े हैं क्या होता है, सूर्य होता है और प्लस क्या होता है, उदय होता है, क्या होता है, सूर्य प्लस उदय होता है, तो यहाँ पे क्या आता है, अ आता है, और यहाँ पे उदय में ओ आता है, तो जब अ ओ के साथ मिलता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। अगला है कि चंद्रोदय में कौन सी संधि, तभी देखिए चंद्रोदय में, अब देखिए ओ का मंत्र बन रहा है, तो जहां पर ओ का मंत्र बनता है वहां पे कौन सा होता है, गुण संधि होता है, क्या होता है, गुण संधि होता है, इसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगला है कि परोपकार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, तो देखिए परोपकार में देखिए ओ की मंत्र आ रही, तो कौन सा होगा, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है, तो सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, सदा प्लस यम होता है, क्या होता है, सदा प्लस यम होता है। अब देखिए इसे सद हो दिया है, ये कोई शाब्दिक अर्थ नहीं, सदैव कौन कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, यो नहीं होता है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सदा प्लस यम। तो अगर पूछे इसमें कौन सा संधि होगा, ठीक है, तो आपको बता दे रहे हैं, देखिए अय और आ के साथ, ठीक है, अय और आ के साथ यदि ए मिले और ए मिले, ओ मिले और औ मिले, ठीक है, तो अगर आ के साथ ए ए मिलता है तो ये आय बनते हैं, क्या बनते हैं, आय, ठीक है। अब आय का मंत्र क्या होता है, डबल वाला होता है ऊपर, और अगर आय के साथ ओ और औ मिले तो क्या होता है, डबल मंत्र औ हो जाता है, क्या हो जाता है, औ हो जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ए और आ के साथ अगर ए आय आए, ठीक है, ए आए, आए तो क्या हो जाता है, ये आय बनता है, क्या बनता है, आय बनता है, यानी ऊपर ये दो मंत्र वाले आएगा, जैसे सदा सदियों में देखिए दो मंत्र आ रहा है, अगर ओ और आओ आएगा तो यहाँ पर आओ बनता है, यानी ऐसे दो ऊपर वाला आ जाएगा, तो इसको ये ध्यान रखना। देखिए गुड़ वाले में क्या है, गुड़ वाले में एक मंत्र वाले आते हैं, ठीक है, ऐसे गुड़ वाले में क्या आते हैं, एक वाले आते हैं, और वृद्धि वाले में, ठीक है, वृद्धि वाले में ए वाला एक मंत्र दो मंत्र में बदलता है, और ये भी दो मंत्र बदलता है, यानी देखिए ए होता है इसमें ओ होता है, अब अगर वृद्धि हो गया है तो ये आय बन जाएगा, ए औ बन जाता है, तो आपको ये बातें जरूर ध्यान रखना है, इसे आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए
अगला क्वेश्चन है पूछा है संधि शब्द में संधि है। देखिए यही क्वेश्चन अभी यूपीएसआई में है, यही क्वेश्चन उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 में पूछा। तो देखिए दो मात्रा आ रहा है तो ये वृद्धि हो गई है, इसका कौन सा हो जाएगा? देखिए गुण में एक होता है, वृद्धि में देखिए वृद्धि नाम में ही बढ़ना है, वृद्धि मतलब क्या हो गया बढ़ना। तो इसमें एक मात्रा देखिए एक जो गुण में एक मात्रा होता है वृद्धि में दो हो जाता है, जो उसमें ओ होता है इसमें अ हो जाता है। तो इसमें देखिए बढ़ जा रहा है तो कौन सा हो गया वृद्धि हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा वृद्धि। तो ऐसे आप ट्रिक से कोई नियम जानने की जरूरत नहीं है, बस अगर ए वाला भी कॉन्सेप्ट है तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि महौषध शब्द का संधि विच्छेद होगा। अब देखिए इसमें आवाज आ रहा है, महौषध में क्या आ रहा है आ रहा है, तो अगर यहाँ पर संधि की बात किया जाए तो यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे वृद्धि संधि होगा, कौन सा होगा वृद्धि संधि होगा। लेकिन इसमें होगा कौन, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है, कौन सा बताना है इसमें संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए क्या होता है, अब यहाँ औषध आ रहा है, क्या आ रहा है औषध आ रहा है, तो धी तो होगा नहीं भाई, औषध जब यहाँ पे धय है तो धी तो होगा नहीं, क्योंकि जब भी जुड़ेगा तो बीच से तो जुड़ता है, तो यहाँ लास्ट वाला जो परिवर्तन होगा बीच में होगा, धी तो होगा नहीं, यहाँ पे भी धी है यहाँ पे भी धी है, तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं यहाँ भी धी है यहाँ भी धी यहाँ भी धी है, तो होगा नहीं, तो कौन होगा महाप्लस औषध हो जाएगा, क्या हो जाएगा महाप्लस औषध हो जाएगा। भाई देखिए जब भी दो शब्द मिल रहे हैं तो परिवर्तन कहाँ होता है, बीच में, जहाँ पे जुड़ते हैं वहीं ना परिवर्तन होता है, लास्ट में तो होगा नहीं, तो धय का धय ही रहेगा, धी थोड़ी ना हो जाएगा, इसमें समय धी दिया है, तो ऐसे आप काट सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से इसका आंसर आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन है कि परमौषध शब्द का संधि विच्छेद होगा। अगर देखिए संधि विच्छेद बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन सा संधि है। अब देखिए इसमें अ आ रहा है कि नहीं, क्या आ रहा है आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा ये वृद्धि वाला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। अब देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा परम प्लस औषध होगा, यहाँ देखिए औषध है पौध नहीं होता औषध होता, ठीक है क्या होता है, अब देखिए औषध भी नहीं होता है, औषध भी नहीं होता क्या होता औषध होता, इसमें औषध आ रहा है इसमें भी औषध आ रहा है, लेकिन यहाँ परम दिया है तो पर नहीं होगा, क्या होता परम प्लस औषध, तो क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद परम प्लस औषध हो जाएगा। अगर संधि की बात कहेगा तो कौन सा होगा वृद्धि होगा। अच्छा एक बार हम कांसेप्ट वाला भी समझा देते हैं, परम में देखिए क्या आ रहा है आ रहा है, औषध में क्या आ रहा है औ आ रहा है, क्या आ रहा है औ आ रहा है, ठीक है क्या आ रहा है औ आ रहा है, तो भी बताए हैं ठीक है, आपको बताए हैं कि अ के साथ ओ ओ या आओ मिले तो हमेशा क्या हो जाता है आओ हो जाता है, क्या हो जाता है आओ हो जाता है, और ये कौन सा संधि होता है वृद्धि संधि होता है, कौन सा होता है वृद्धि होता है। अगला क्वेश्चन है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। अब देखिए यहाँ पे संधि आपका चेंज हो गया, ठीक है इत्यादि में कौन सा संधि है, तो इत्यादि में यण संधि होता है, क्या कौन सा संधि होता है यण संधि होता है, कौन सा संधि होता है यण संधि होता है। अब यण संधि का क्या नियम होता है इसमें आपको जानना, देखिए इसमें क्या है ई, पहले आपको कॉन्सेप्ट से समझाते हैं ई और इसी के साथ बड़ी ई, ठीक है उसके बाद उ बड़ा उ और री, ठीक है री, इसका जब मिलन होगा किसके साथ किसी अन्य स्वर से, ठीक है किसके साथ होगा किसी अन्य स्वर के साथ, ध्यान रखना है किसके साथ मिलेगा ये किसी अन्य के साथ मिलेगा, यानी ये आपस में नहीं मिलते हैं, यानी ई है तो ई नहीं आएगा, ठीक है अगर ई है तो ई नहीं आएगा, अगर बड़ी ई है तो बड़ी ई नहीं आएगा, ऊ है तो ऊ नहीं आएगा, यानी जब ई मिलता है भिन्न स्वर से मिलता है, किससे मिलता है भिन्न स्वर से मिलता है, किससे मिलता है भिन्न स्वर से मिलता है। तो देखिए जो ई ई है ध्यान रखना, जो ई ई है इसका क्या हो जाता है यह हो जाता है, और जो ऊ ऊ है इसका वह हो जाता है, री का क्या हो जाता है र हो जाता है, ठीक है री का क्या हो जाता है र हो जाता है। आपको ध्यान रखना है जब भी कोई भिन्न स्वर मिले तो ई ई का यह हो जाएगा, उ उ का ओ हो जाएगा, री का क्या हो जाता है र हो जाता है, क्या हो जाता है र हो जाता है। और दूसरा इसको ये तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट होगा, यह व र बनता है, ठीक है और ये भी ध्यान रखना है इसमें यह वह और र के पहले आधे शब्द आते हैं, क्या आते हैं आधे शब्द आते हैं, क्या आते हैं आधे शब्द नहीं कहेंगे आधे वर्ड कहेंगे, ठीक है वो गलती से निकल गया है कि आधे शब्द नहीं आधे वर्ड होते, ये वर्ड के पहले आधे वर्ड आते हैं, अभी आगे देखते हैं कैसे लगाना। इसमें देख लीजिए जैसे यहाँ पर देख लीजिए इत्यादि में या के पहले आधा वर्ड आ गया है, अभी बताएं यह वगैरह के पहले आधा आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए यह के पहले आधा तय आ गया है, तो यहाँ पे कौन सा होगा यण संधि होगा, कौन सा होगा यण संधि होगा। देखिए कॉन्सेप्ट इसका नियम ये होता है और पहचान क्या होती है डायरेक्ट ई वाली होती है, तो यहाँ पे कौन सा होगा यण हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, तो बताएं य व र के पहले आधा वर्ण आए, कोई भी आधा वर्ण आ जाएगा तो उसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें यड़ संधि हो जाएगा। तो देखिए व के पहले आधा स आ गया है तो कौन सा होगा, यहाँ पे यड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे यड़ संधि हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे यड़ हो जाएगा। अगर स्वागत का, ठीक है, अगर स्वागत का संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा, देखिए इसका क्या होता है, सु प्लस आगत होगा, क्या होगा सु प्लस आगत होता है, सु प्लस क्या होता है आगत होता है, क्या होता है सु प्लस आगत। अब देखिए इसमें क्या है उ आ गया है, ठीक है, इसमें क्या आ गया है उ आ गया है, भाई देखिए सु में छोटी मात्रा है तो उ आएगा और इसके साथ क्या आ जा गया आ गया, ठीक है, इसका क्या आ गया है आ गया है। तो अब देखिए जब उ और आ भिन्न स्वर हो गए कि नहीं, आ क्या हो गया भिन्न स्वर हो गया, तो अभी बताए हैं कि जो उ होता है, ठीक है, अभी बताए ई ई का क्या बनता है, ई ई का यह बनता है, उ का क्या बनता है वह बनता है, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे वा बना वह बना लेंगे, ठीक है। अब आ मंत्र है तो वा बन जाएगा, ठीक है, अगर अ होता तो वह बनता, आ है तो क्या बनेगा वा बन जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा सु आ है तो क्या हो जाएगा वाह हो जाएगा। अब ये वाला मिलके क्या हो जाएगा वाह हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाह हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा होता है यड़ संधि होगा, कौन सा होगा यड़ संधि हो जाएगा। क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि, तो संधि तो आपको पहचानना आसान हो गया, यह वह के पहले देखिए क्या आ गया आधा वर्ण आ गया है, तो यहाँ पे कौन सा होगा यड़ संधि होगा, कौन सा होगा यड़ संधि हो जाएगा। देखिए अगला है कि प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यह के पहले आधा वर्ण आ रहा है तो यहाँ पे कौन सा होगा यड़ संधि होगा, लेकिन यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसको संधि विच्छेद ध्यान रखिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा देखिए प्रति प्लस एक होगा, ठीक है, प्रति प्लस प्रत्येक का क्या होगा संधि प्रति प्लस एक होगा, एक नहीं होता है, एक नहीं होता, एक भी नहीं होता, क्या होगा प्रति प्लस एक होगा, प्रति प्लस एक होगा, इसमें कौन सा हो जाएगा यड़ संधि हो जाएगा। अगला है कि व्याप्त शब्द में कौन सी संधि, देखिए यह कि पहले आधा आधा वर्ण आ गया तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा यड़ संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है अभि प्लस उदय होता है, अभी नहीं होता अभि प्लस उदय होता है, ठीक है, अभ नहीं होता अभ्यु नहीं होता है, क्या होता है अभि प्लस उदय होता है। और इसमें कौन सा अगर पूछे कि कौन सा संधि होगा, तो देखिए यह कि पहले आधा भय आ रहा है तो बताएं यह वह कि पहले अगर आधे आएंगे कोई बड़ा आधा आता है तो वहां पर यड़ संधि होता है, संधि कौन सा यड़ होगा और संधि विच्छेद अभि प्लस उदय होगा। अगला है कि अत्यल्प का सही संधि विच्छेद है, देखो यह कि पहले आधे आ गया है तो सबसे पहली बात यहाँ पे कौन सा संधि होगा यड़ होगा। अगर इसकी संधि विच्छेद की बात किया जाए तो क्या होगा अत्यल्प का अति प्लस अल्प होगा, देखिए अत्य नहीं होता अति होता, क्या होता अति होता, अत्य नहीं होता है, या तो अति होगा यहाँ पे अति है, ये दोनों हो सकता है, अत्य नहीं होता, अब अल्प होता है, अल्प नहीं कोई इसका शाब्दिक अर्थ, अल्प मतलब क्या होता है कम होता है, ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होना चाहिए, तो अति प्लस अल्प क्या हो जाएगा अत्यल्प हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा संधि हो जाएगा यड़ संधि हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे यड़ संधि हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक इस संधि का भेद का उदाहरण है, तो देखिए प्रत्येक में देखिए यह जो आ रहा है इसके पहले आधे वर्ण आ रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा संधि हो जाएगा यड़ संधि हो जाएगा, ये आपको टिक से पहले बता दें। दोस्तों यदि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों लाइक कमेंट आप लोग बहुत कम कर रहे हैं तो लाइक कमेंट तो जरूर कीजिए। अगला है प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा, ठीक है, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा। अब यहाँ देखिए संधि विच्छेद दे दिया है, आपको पूछ रहा है कि जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ठीक है, तो अभी बताए हैं या इसको आप तभी कर पाएंगे। देखिए अब प्रति में क्या आ रहा है, ये आपके ई आ रहा है, ठीक है, ई आ रहा है, आघात में क्या आ रहा है आ रहा है, क्या आ रहा है आ रहा है, तो जब ई ए के साथ मिलेगा, ठीक है, जब ई भिन्न स्वर के साथ जब मिलता है तो ई किस में बदलता है, ई में बदलता है, किस में बदलता है ई यह में बदलता है, तो प्रति का क्या हो जाएगा यह हो जाएगा और ये वाला जो होता है आधा हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है इसके पहले वाला आधा हो जाता है। तो देखिए आधा किस में है, सिर्फ इसी में दिख रहा है, तो यह अब देखिए आ है तो या बनेगा, ठीक है, अगर अ होता तो या यह बनता, आ है तो या बनेगा, ठीक है, तो इसके पहले आधा बनेगा तो प्रत्याघात बनेगा, तो इसका कौन सा हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि पवित्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, बताना है पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होगा पो प्लस इत्र होगा। ठीक है, ये क्या होगा, पो प्लस इत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पो प्लस इत्र। ये किसका संधि विच्छेद होगा, पवित्र का होगा। और इसमें कौन सा संधि है, आयादि संधि। अब यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा आयादि संधि, कौन सा हो जाएगा, इसमें आयादि संधि हो जाएगा। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल ध्यान रखना है। अच्छा, इसका नियम बता देते हैं। ठीक है, इसमें ए, ए के साथ ए, फिर ओ, फिर औ। ठीक है, इसके साथ कोई भी भिन्न स्वर आए, ध्यान रखना आपको कौन सा आए, भिन्न स्वर आए। क्या है, भिन्न स्वर आए, तो ए का, ठीक है, ए का, ए का आय हो जाता है, ए का क्या हो जाता है, आय हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, ए का आय हो जाता है। ठीक है, आय हो जाता है। ओ का क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। आओ, आओ जो आता है, आओ का क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। तो ध्यान रखना है, ए का आय, आय का आय, ठीक है, ओ का आओ, आओ का आ हो जाता है, जब विभिन्न स्वर मिलते हैं। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना। इसके कुछ एग्जांपल और बता दे रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पो प्लस इत्र क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसी तरह पो प्लस अन, ठीक है, पो प्लस अन, ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। पो प्लस अन क्या बनते हैं, पौन बनते हैं, कई बार पूछा है। इसी तरह आपको कंफ्यूज करने के लिए पौ कर देगा, पौ प्लस अन। ठीक है, पौ प्लस अन ये क्या हो जाएगा, पावन हो जाता है। क्या हो जाता है, पावन हो जाता है। ये वाले आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा, तो उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, उत् प्लस घाटन। क्या होगा, उत् प्लस घाटन। इसमें कौन सा हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सा होगा। सन्मार्ग में जो संधि आपको बताना है कि कौन सा होगा, तो देखिए इसमें कौन सा संधि हो जाएगा, ये व्यंजन संधि हो जाएगा। कौन सा संधि हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगा। तो इस व्यंजन संधि क्यों होगा, क्योंकि सन्मार्ग का जो अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ये सत प्लस मार्ग होता है। क्या होता है, सत प्लस मार्ग होता है। ठीक है, सत प्लस मार्ग। अब यहाँ देखिए तय आ रहा है, तो ये क्या होता है, व्यंजन होता है। क्या होता है, व्यंजन होता है। अब यहाँ पे स्वर है, तो व्यंजन का जब स्वर के साथ मिलन होता है तो वहां पर व्यंजन संधि होता है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए जब भी टूटेगा, देखिए ठीक है, अब इसको पहचान कैसे करेंगे कौन सा होगा। तो देखिए सन्मार्ग में देखिए जुड़ रहा है, तो यानी न आ रहा है, तो तैथे दैथे ना, तो यानी पहला वाला इसमें हमेशा पांचवें परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है, जैसे क है, ठीक है, तो ये अंगम परिवर्तन परिवर्तित होता है। जैसे च छ परिवर्तित होगा, तैथे दैथे, देखिए तैथे दैथे ना, प प भ म, ये सब आपको पता होना चाहिए, यानी पहला उसके पांचवें में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ न आ रहा है, यानी न क्या होगा, तय का पहला होता है भाई, न तो पांचवा होता है, न क्या होता है, पांचवा होता है, तो इसका पहला क्या होगा, तय होगा। तो इसमें क्या होगा, अब सत होगा, सत प्लस मार्ग हो जाएगा। तय आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, सत प्लस मार्ग हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला है कि जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, आपको बताना है कि जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है। तो जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद आपको ध्यान रखना है, जगत प्लस के नाथ। ठीक है, जगत प्लस के नाथ। तो देखिए ये तय है, ये पहला है। ठीक है, किसी वर्ग का पहला उस किस्मे पर, अगर ये देखिए ठीक है, ये मिलेगा पांचवे के साथ, तो अब ये किसमें बदलेगा, पांचवे के साथ बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक नया और बन जाएगा। ठीक है भाई, ये जो तय है, ठीक है, ये किसमें बदलेगा, पांचवे में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, तय के जगह पे न हो जाएगा और आधा बनता है, और यहाँ पहले से न है तो क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, तो जगन्नाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जगन्नाथ हो जाएगा, और ये व्यंजन संधि है। अगला है कि निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है। तो निरीह का संधि विच्छेद इसमें क्या होगा, तो देखिए ये क्या होगा, निह, ठीक है, क्या होगा, निह प्लस ई, ठीक है, निह प्लस ई होगा, यानी बी वाला सही हो जाएगा। और देखिए ई वाले बोलते हैं इसको विसर्ग बोलते हैं, इसमें कौन सा संधि होगा, विसर्ग संधि होगा। कौन सा होगा, विसर्ग संधि होगा। अब अगला है निष्फल का सही संधि विच्छेद है, तो क्या होगा, निष्फल का क्या होता है, निह प्लस फल होता है, यानी इसमें विसर्ग संधि है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है
निष्करूढ़ का सही संधि विच्छेद है तो विसर्ग वाला देखिए, तो जहां विसर्ग वाला आए तो पहले तो देखिए विसर्ग इसमें है, इसमें भी है, निह प्लस करूढ़ होगा, करोड़ नहीं होता, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा है, तो क्या होगा, निह प्लस करूढ़ क्या होगा, निष्करूढ़ हो जाएगा, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है कि मनोदशा, ठीक है, सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, मनोदशा में सही संधि विच्छेद कौन सा होगा आपको बताना है, तो देखिए इसमें हम आपको बता दे रहे हैं नियम, ठीक है, देखिए मनोदशा का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मनह, ठीक है, मनह प्लस, मनह प्लस क्या हो जाएगा, मनह प्लस दशा होगा, मनह प्लस क्या होगा, दशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दशा हो जाएगा। तो ध्यान रखना इसमें यदि विसर्ग पहले आए, ठीक है, विसर्ग की पहले देखिए विसर्ग है, विसर्ग न है तो इसके मतलब इसमें कौन सा आए, तो विसर्ग के पहले या बाद में आए अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, कौन, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या ये रे ले वे हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है, किसमें बदलता है, ओ में। तो देखिए इसमें अ आ गया है तो देखिए त थ द, त थ द यानी तीसरा आ रहा है, ठीक है, तो जब विसर्ग के पहले आ आए और इधर क्या आए जो मिल रहा है तो तीसरा चौथा पांचवा आए तो हमेशा किसमें बदलता, ओ में बदलता है, किसमें बदलता है, ओ में बदलता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे जुड़ेगा तो जो विसर्ग है ये किसमें बदल जाएगा, ओ में, तो मन है क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यानी मनोदशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मनोदशा हो जाएगा। इसका यशोदा वाला जरूर ध्यान रखना है, यशोदा वाला कई बार पूछा, तो मनोदशा का क्या हो जाएगा, मन है प्लस दशा, ठीक है, तो मन है प्लस दशा, ये कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला है इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण है, आपको बताना है इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो देखिए विसर्ग का तो महिष को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये क्या है, महाप्लसीस, क्या होता है, महाप्लसीस होता है। अब देखिए यहाँ बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, यानी यहाँ पे कौन सा संधि होगा, ये दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अब जगदीश में जगत प्लसीस होता है, क्या होता है, जगत प्लसीस, जगत प्लस के इस होता है। अब तय आ रहा है तो यहाँ क्या होता है, व्यंजन संधि होता है, ठीक है। अब देखिए दिग्गज में दिक, ये क्या होता है, दिक प्लस गज होता है, क्या होता है, दिक प्लस गज होता है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, व्यंजन संधि होता है। अब यहीं एक बच्चा तो क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, निह प्लस अंतर होता है, क्या होता है, निह प्लस अंतर होता है, क्या होता है, निह प्लस अंतर होता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, विसर्ग वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अतियों शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो देखिए इसमें विसर्ग एक ही जगह दिख रहा है, यही सही हो जाएगा, अत प्लस यो, ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला है अभी बताना है, ये सोदा का कई बार पूछा हुआ है, तो ये सोदा में कौन सा संधि होगा, ये सोदा में पहली बार विसर्ग संधि होगा, कौन सा होगा, विसर्ग संधि होगा। इसमें क्या होता है, देखिए यस है, यस है प्लस क्या होता है, दा होता है, ठीक है। अभी बताएं है विसर्ग के पहले यदि आए आए और इधर तीसरा चौथा पांचवा आए तो वो हमेशा ओ में बदलता है, तो देखिए तय थे दय, तय थे और दे, तो देखिए तीसरा आ गया है, तो विसर्ग के पहले अगर आए आए और इधर क्या आए तीसरा चौथा पांचवा आ जाए तो हमेशा ओ में बदलता, तो जो विसर्ग है यस है किसमें बदल जाएगा, ओ में, यानी क्या बन जाएगा, ये यशोदा बन जाएगा, तो यानी कौन सा होगा, ये विसर्ग होगा। अगला है मनोहर में, वहीं देखिए मनोहर में, तो इसमें मनोहर में भी क्या होगा, विसर्ग होगा, मनोहर में भी क्या होगा, विसर्ग होगा, क्योंकि देखिए मनह प्लस क्या होगा, हर हो जाएगा, क्या होगा, हर होगा। अभी आपको बताए हैं कि अगर विसर्ग के पहले आए आए तो या, ठीक है, विसर्ग के पहले आए आए और इधर तीसरा चौथा पांचवा आए, ठीक है, या ये वे रे ले है आए, ठीक है, तो ये किसमें बदलता है, ओ में बदलता है, किसमें बदलता है, ओ में बदलता है। अब यहाँ पे देखिए है आ गया, चाहे ये वे रे ले आए या तीसरा चौथा पांचवा आए तो किसमें बदलता है, ओ में, तो यहाँ पे है आ गया है तो जो विसर्ग है किसमें बदलेगा, ओ में, तो क्या हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला है आपको इसका कमेंट करके आंसर बताना है कि कौन सा होगा। दोस्तों यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।